विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के मामले पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान चार बार कार्यवाही स्थगित हो गई। बार बार हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और विपक्षी विधायकों ने परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर आधे घंटे तक मौन प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक प्रश्नकाल के दौरान गर्भगृह में आ गए, जिससे 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायक कार्रवाई रोककर भोपाल सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनका आरोप है कि प्रदेश में हर दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। 29 नवम्बर 2017 मध्य प्रदेश के लिए काला दिवस। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से बढ़ते हुए सामूहिक बलात्कार, प्रदेश में विधानसभा में हमने एक सघन चर्चा के लिए दिया। बड़ी दुखद बात है कि मध्य प्रदेश के गौरवान्वित इतिहास विधानसभा का आज कलंकित हुआ। हम लोग कल से विधानसभा के अध्यक्ष से इस पे चर्चा की मांग कर रहे कि हमारा स्थगन लिया जाए, लेकिन मैंने बहुत विधानसभा के अध्यक्ष देखे हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी के समय भी मैं विधायक था, श्रीनिवास तिवारी जी भी अध्यक्ष थे, रोहाणी जी भी अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा समय नहीं देखने को मिला कि सामूहिक विपक्ष महिला उत्पीड़न के लिए स्थगन पर सरकार का ऐसा दबाव हो कि चर्चा भी ना हो। बहुत सारी बिंदु हैं चर्चा के लिए, लेकिन हम लोगों को आज ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए आओ, कोई बात ना उठाओ। चाहे निर्भया कांड के समय यही शिवराज सिंह जी ने कहा था 2012 दिसंबर में कि एक सख्त से सख्त कानून आएगा, मैं केंद्र सरकार से अनुग्रह करूंगा कि कानून बनाया जाए। उस समय भी वो केंद्र सरकार में नहीं गए। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, तब नहीं गए। विषय को विषंतर करने के लिए 3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में तो प्रस्ताव लाते हैं कि 12 साल के कम उम्र की बालिकाओं के साथ अत्याचार हो तो ऐसा कानून बनाया जाए, लेकिन उन्हीं की चर्चा इस सदन में न हो, ये आज विषय है। महिलाएं असुरक्षित हैं, रोजाना 12 से 14 बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पर जो प्रदेश की महिलाओं का भाई बना हो शिवराज, तो क्या चर्चा से भागे? आज प्रदेश की महिलाएं बालिकाएं ये पूछना चाहती। ये अलग बात है कि भावांतर योजना में किसान अपने आप को छला महसूस कर रहा है, हमारे युवा बेरोजगार हैं, व्यापारी दुखी हैं, अन्य लोगों की समस्याएं हैं, कर्मचारी आंदोलित हैं, स्वास्थ्य पूरी तरह से चरमरा गया है। कानून व्यवस्था तो इसमें ही देखी जा सकती है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।